जेल का नाम सुनते ही हत्यारों अपराधियों की तस्वीरें जहन में तैरने लगती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर जेल में बंद कैदियों को शिक्षा के अनुसार अब रोजगार मिलेगा। जेल में बंद कैदियों का मूल्यांकन कर उनकी शिक्षा के अनुसार जेल में काम दिया जाएगा। जो कैदी जेल में रहकर पढ़ना चाहते हैं, उन कैदियों को जेल में बंद शिक्षित कैदी शिक्षा प्रदान करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आ जाएगा, तीन और दो को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, पांच, और तीन में से दो जाएगा तो हो जाएगा एक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गुणा होगा, इंसान है, तो ये हो जाएगा पांच। कानपुर जेल में पढ़े लिखे बंदी जेल की तस्वीरें बदल रहे हैं। बीएड, एमएड और पीएचडी कर चुके बंदी जेल के अंदर ही क्लास चला रहे हैं। बंदी अधिवक्ता साथी बंदियों की पैरवी के लिए कानूनी सलाहकार की भूमिका में है, जबकि मैनेजमेंट से बीबीए, एमबीए और एमसीए डिग्री धारक अपराधी जेल में आने वाले बंदियों की हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो तीन त्रिका नौ हो जाएगा और दो दूनी चार हो जाएगा। जब नौ में से चार जाएगा तो कितना बचेगा, पांच। कह सकते हैं कि कानपुर की इस जेल में बंद 500 पढ़े लिखे बंदी अपने हुनर और शिक्षा के बल पर जेल की तस्वीर ही बदल रहे हैं। पीएचडी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई वाले जेल में बंद हैं। इतना ही नहीं, जेल में बंद अधिवक्ता कैदी अब जेल के अन्य कैदियों के लिए कानूनी सलाहकार की भूमिका में आ चुके हैं। वो कैदी जो कानून की समझ नहीं रखते या वकील की फीस देने में असमर्थ हैं, उनकी मदद के लिए लॉ ग्रेजुएट कैदी उनको सलाह देंगे। वहीं जेल अधीक्षक बीडी पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। कानपुर जेल में अब एक अनोखी कवायद शुरू कर दी गई है। जो जेल में बंद कैदी हैं, वो किसी भी मामले में बंद हों, लेकिन अब उनको शिक्षा देने की कवायद यहाँ पर तेजी से शुरू हो गई है। यहाँ पर जो बंद कैदी हैं उनको पहले छांटा गया कि वो किस तरह की एजुकेशन हासिल करके यहाँ पर जेल में आए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर उनके साथ उसी तरह की शिक्षा देने की बात की जा रही। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जेल अधीक्षक बीडी पांडे जी हैं, उनसे पूछते सर कानपुर जेल में जो कैदी हैं उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है और कौन उनको शिक्षा दे रहा है। जी, जिला कारागार कानपुर में इस समय लगभग 2300 बंदी बंद हैं। हमारे डीजी सर के निर्देश थे कि शिक्षा की व्यवस्था समुचित रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी सभी बंदियों की पहले एक प्रोफाइलिंग कर ली जाए, यानी ये देख लिया जाए कि कौन ऐसा, कितने बंदी ऐसे हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं, कितने बंदी हैं जो हाई स्कूल पास हैं, तो उनको उसी हिसाब की, उसी तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको साक्षर बनाने का काम किया जाए, इसी तरह से आगे जो हाई स्कूल पास है उसको इंटरमीडिएट कराया जाए, और इंटरमीडिएट है उसको अगर वो जेल में रहने की संभावना है उसकी तो उसको ग्रेजुएशन कराया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने बंदियों की सभी की प्रोफाइलिंग किया, उसमें ये चीज़ निकल के आई कि लगभग 500 बंदी ऐसे हैं जो हाई स्कूल से लेकर के कुछ इंटरमीडिएट पास हैं, कुछ बीएससी हैं, कुछ एमएससी हैं, कुछ बंदी ऐसे हैं जो बीएड भी पास किए हुए हैं, शिक्षक थे बाहर, किसी न किसी मामले में जेल में बंद हैं, कुछ अधिवक्ता भी बंद हैं किसी आपराधिक मामले में। तो इस तरह से ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जिनको जो शिक्षा हासिल है उसका यहाँ रहते हुए हम लोग सदुपयोग करें। तो जो पढ़े लिखे बंदी हैं, जैसे बीएससी हैं, बीए हैं, बीएड हैं, उनको, बंदियों को पढ़ाने के काम में लगा रखा है हमने। आप जेल अधीक्षक थे, आपने इस बात को लेकर के बताया कि करीब 500 कैदी ऐसे हैं जो हाई स्कूल से लगा कर के ग्रेजुएट तक हैं और अधिवक्ता भी हैं उसमें, तो उनको यहाँ पर जो अन्य कैदी बंद हैं वो पढ़ाई भी कराएंगे, उनको शिक्षा भी प्रदान करेंगे, साथ साथ में जो कुछ अधिवक्ता भी यहाँ पर इन्होंने छाटे हैं जो किसी ना किसी मामले में जेल में बंद हैं, वो अन्य कैदियों के जो प्रार्थना पत्र हैं या अन्य कोर्ट से लेकर के जो भी लिखा पढ़ी का कार्य है वो कैदी यहाँ पर कर रहे हैं। बता दें कि कानपुर जेल में करीब 2300 कैदी हैं, जिनमें से करीब 500 ऐसे कैदी हैं जो क्लास 10 से ग्रेजुएट, तो कुछ ने सिविल और वकालत की पढ़ाई की है। करीब 200 कैदी वो हैं जो 10वीं क्लास तक ही पढ़े हैं, जबकि 300 कैदी इंटरमीडिएट के साथ साथ ग्रेजुएट और एलएलबी की शिक्षा हासिल करे हुए हैं।
जो अब जेल में बंद अनपढ़ और कम पढ़े लिखे कैदियों को शिक्षा दे रहे हैं। तीन और दो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पाँच, और तीन में से दो जाएगा तो हो जाएगा एक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गुणा का निशान है, ये हो जाएगा पाँच। सभी बंदियों को चिन्हित करने के बाद उनकी रुचि के आधार पर उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बीए, एमए, बीएड और एमएड वाले बंदी जेल में कम पढ़े लिखे और अनपढ़ बंदियों को साक्षर करने में लगे हैं। कानपुर जेल में बंद कैदियों को शिक्षा के माध्यम से अब रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। जहां एक तरफ कानपुर में करीब 2,350 बंदी बंद हैं, वहीं उनमें करीब 500 बंदी ऐसे हैं जो कक्षा 10 से लगा करके ग्रेजुएट की पढ़ाई और एलएलबी की पढ़ाई भी कर चुके हैं। कुछ अधिवक्ता भी हैं यहां पर, इसलिए उनको जो बंद कैदी हैं उनकी पहले छटनी की गई और उसमें 500 कैदी ऐसे पाए गए थे। उसके बाद जो अन्य कैदी बचते हैं उनको अब यहां पर वो 500 कैदी शिक्षा भी देंगे और शिक्षा के साथ साथ जो अन्य कार्य हैं जेल के वो भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो जैसे सिविल का वर्क है तो कुछ कैदी ऐसे भी छाटे गए हैं जो सिविल के काम में माहिर हैं, उनसे जेल में सिविल का कार्य भी कराया जा रहा है। ऐसे ही कुछ अधिवक्ता भी हैं जो जेल में बंद हैं, तो यहाँ पर जो अन्य कैदी बंद हैं उनको भी अधिवक्ता जो बंद हैं यहाँ पर वो अधिवक्ता बंद कैदियों को वो अधिवक्ता अब उनकी लिखा पढ़ी जो कोर्ट से होनी है वो यहाँ पर अब कर रहे हैं। वहीं अब उनको रोजगार भी शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। माइनस टू स्क्वायर हो गया, टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला लगेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ क्या लिख दिया, थ्री प्लस टू और थ्री माइनस टू, ये इसका आंसर होगा। अब इसको